बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है सर? दोस्तों का ठीक ठाक हो मेरे सर ने कहत मसन। आज की वीडियो खास तौर पे किसान भाइयों वास्ते, जिम्मेदार वास्ते स्पेशली है, उन्होंने वास्ते, बाकी वास्ते भी स्पेशल, लेकिन किसान जिम्मेदार वास्ते कोई ज़्यादा स्पेशल है। सब तो पहले तो जो किसान जिम्मेदार अगर वीडियो पर आ गए हो तो वीडियो में लाजमी शेयर करो, क्योंकि हक ते बोलना बड़ा मुश्किल है, सच बोलना बड़ा मुश्किल है। अजकल दौर सच और हक ते गल करनी सब तो ज़्यादा मुश्किल है मेरे वेखने। वो साढ़े वडेरियां दी अखाण हुंदा ही कि सच बैठा ही सेजां ते, कूड़ बैठा ही सेजां ते, सच बैठा वधा ही धक्के खांदा। उहदी मिसाल होई है इस टाइम वीडियो दा टॉपिक है, हुकूमत ने जिहड़ा रेट गंदा हुंदा जिमीदार नूं दित्ता 3900 रुपया। सब तो पहले तो कोई भी चीज़ है ना, कोई भी चीज़ है, कोई भी कारोबार है, फ़र्ज़ किया आ मोबाइल है ना, ये अगर मैं बनाया ना, मैं नहीं बनाया, मतलब कि मैं बनाया या मेरा है, तो यदि कीमत मैं ही लानी है। अगर मैं सेल करना ना, यदि कीमत मैं लानी है कि ये जनाब आला मेरा है, यद मैं सेल करना है, मैं अपनी मर्जी की कीमत लानी। लेकिन वाहद फसल है गंदा मैं जेड़ी असी किसान भाई 6 महीने इससे मेहनत करते हैं, 6 महीने इसमें खाद पानी स्प्रे मुकम्मल देखभाल, एक छोटे बच्चे रीत जिस तरह माँ छोटे बच्चे की देखभाल कर दी, इस तरह एक गंदम का एक पौधा है ना, एक इसकी इस तरह देखभाल करते हैं असं। लेकिन जदों ये तैयार होंगी है उदो यदा रेट असी अपनी मर्जी से नहीं लै सकते, असी रेट अपना, हालांकि मेहनत असी करने, रकबा साढ़ा ठेके अस बनने, टोली पानी असं लेने, लेकिन मुड़ भी असी इन्हू नहीं खरीद दे सकते। रेट जी हुकूमत देती है वो वजह क्यों, खेत फसल साढ़ा मेहनत असी करने, ठेके असी देने, बिजली असी भरने, तो हक है असी रेट भी असी कन्फर्म करिए कि असी इस रेट तो हुकूमत को गंदम देवनी है, लेकिन असी नहीं लै सकते। वजह के असी गुलाम है, जिम्मेदार असी जितने भी हैं ना, असी गुलाम है, अज भी हैं, पहले भी रहे हैं। वो गुलामी हाले तक साड़ी गई नहीं, गुलामी उदो त्रुट सी जो जिमीदार पूरा हक दिता जा, जिमीदार पूरे रेट दिता जा। उस तो बाद पिछले साल यूरिया खाद तकरीबन 2500 रुपए आई, और गंदम का रेट 4000 रुपये आई, टूवेल का पानी 1200 आई, डी ए पी तकरीबन 9000 रुपए मैं ले आई, नैट्रो भी तकरीबन मान 5000 रुपए आई, और गंदम का रेट जोड़ा आई पा 4000 रुपये आई। इस दफ़ा यूरिया 5600 नू है, डी ए पी 15000 नू है, टूवेल का पानी 2000 नू है, और ठेका जड़ा है वह 70-80 हज़ार लाख रुपए तक साढ़े एरिए गया। खाला एरिए तो ज़्यादा भी है, हवा चली हुई, अगर शोर आ रहे हो तो माजरत। इतना कुछ बद गया, हर चीज़ का रेट डबल हो गया, हर चीज़ का टैक्स डबल हो गया। जट नू किसान नू गंदम का रेट 3900 रुपया दिता गया, उसकी वजह पे हर चीज़ का रेट डबल हो गया, खाद का रेट डबल हो गया, हर चीज़ का रेट डबल हो गया, लेकिन किसान नू मुड़ भी कणक का रेट पिछले साल की निस्बत 100 रुपए कम दिता गया। हालांकि हर चीज़ दिन ब दिन उत्तां जा रही है, हर चीज़ की महंगाई दिन ब दिन उत्तां जा रही है, लेकिन फसल का रेट उठाई द उठाई जा रहा है। किसान नाल सरासर जुल्म हो रहा है। तुसी एक मिनट दसो भी एक एकड़ ते इस टाइम कम अज़ कम 2 लाख रुपये खर्च होता है। ये जेडे तैयार हो खेले ने जट आप खून खून पसीना ला के, एक एक तने तो खून पसीना ला के उसको तैयार किया जा रहा है, लेकिन जेड़ा रेट दिता जा रहा है किसान किधे जावे। अगर ये हालात रही तो मैं तो अगली दफी आप घर दे जेड़ा घर की खावनी वह बीजनी, और मेरे सारे किसान भाइयों को भी रिक्वेस्ट है, जो अगर हुकूमत रेट नहीं सही देती, किसान के मुतालबे नहीं पूरे होंगे, तो वह अपने खावन की कढ़े चुप करके, बाकी रकबा चाहे रखे चाहे चाहे चार जानवर रख के अपना रोजी का सिस्टम चला लें। अगर ये हुकूमत रही आप तो नहीं कढ़ना, अगर अपनी जोगी कढ़ो अपनी जोगी खाओ, लेकिन किसान हुकूमत को मुतालबा है कि कुछ खुद भी सोचो, जेड़ा तुम रेट बनाया किस नज़रिए बह के बनाया। उस तो बाद एक होर टॉपिक, असं यह नहीं चाह रहे कि साढ़े को 4 किले हैं या 2 किले हैं या किले अपनी रोजी बनाते, जिन्हे को रकबा कोई नहीं वह कि जाए, यह सवाल थोड़े से लाजमी हो सी, मैं इस चीज़ का तुम जवाब देना। असी यह नहीं आते कि जोड़ा है वह गरीब रोल जाए, असानू रेट दिता जाए, नहीं। जदों खाद का रेट डबल जाता, हर चीज़ पर टैक्स लगता, उदो लोग कितने होंगे, उदो लोगों को फेसबुक से पोस्टा लाने का बल नहीं आना होंगे, उदो नहीं आख सकते कि किसान ना तुम जुल्म करते पे हो। मेरा टूवल लगे हुआ है,
मेरा टूआ लग गया पे। मैं पिछली दफा सानू असी सेल किया पानी 1800 रुपए और सानू खुद नू पिया 2100 रुपए पानी। वो जरा टैक्स डबल होया हकूमत 2000 नू यूरिया खाद कर दे 1000 रुपए पानी कर दे बाकी जितनिया भी यानी कि DAP है वो कीमत घट कर दे साढ़े को यूरिया के बराबर आके 2000 नू कणक लै लवे गंदा। लेकिन ये मतलब तो नहीं कि पांच अपनी मर्जी का रेट खादा में दो हर चीज़ अपनी मर्जी का रेट दो और किसानों को गंदम सस्ती लाओ फिर तो जरा जर जुल्म है ना। ठीक है अगर हुकूमत आवाम कुछ रिलीफ देना चाहती तो फिर इस तरह करे अगर खादू तो DAP तो टैक्स लेंगी है ना बिजलियाँ तो टैक्स लेंगे तो वह जट्टा को बिजली और टैक्स के मुताबिक गंदम खरीद करे और अगर जिन लोगों उस आटा देना उन्होंने सबसिडी दे के सस्ता आटा दे फिर तो हुकूमत को पता हो असा सस्ता आटा देंगे पै ये नहीं कि हर चीज़ की कीमत चढ़ाई जाओ तो जट्टा को जट्टा का खून चूस के उन्हों को हट के लैके अगर दिखती जाओ ये तो इस दफ़ा जी गलती होगी। अगर इो 3900 रुपया रेट रहा अगली दफ़ा किसी भी नहीं काश्त करनी हर को अपनी खावन की काश्त करती हुकूमत ने जितों दिल करे चल के लै लिया। मेरी ये पोस्ट गैर सियासी है किसी किस्म की सियासी नहीं है अगर मेरा एक अल्फाज गलत है तो तुम कमेंट बॉक्स से दस छो कि तुम एक अल्फाज गलत बोले। इस तरह कोई भी फसल है जिमीदार अगर 3900 रुपया जिमीदार रेट मिलता नैक्सट फसल कितनी काश्त करे। हालांकि पाकिस्तान की ज़रात अगर अच्छी हो जाए तो मुल्क माशियात बड़ा असर पहुंचे और पाकिस्तान तरक्की दे रात चल सी। पिछली दफ़ा इन गंदम किसानों की अपने छाड़ के ना बाहरों कणक मंगवा ली लेकिन वो कोई नहीं किसान साढ़ा मुतालबा यही है कि किसान खाद भी बिजलियों के मद्देनज़र रख के पूरा तो पूरा रेट दिता जाए जो हक है वह हक दिता जाए। कम अज़ कम 5000 रुपया रेट गंदम का होना चाहिए हर सूरत। अगर नहीं तो आ के हिसाब कर लवन गंदम का फी एकड़ का खर्चा ठेका वगैरह हर चीज़ आ के कैलकुलेट कर लवन अगर किसान को कोई चीज़ भी बचती है तो। खैर इतना ही करें इस वीडियो के एंड उम्मीद तुम साड़ी अज्ज वीडियो लगी से अगर साड़ी अज्ज वीडियो लगी साढ़े चैनल सबसक्राइब करो अल्लाह पाक तुम सारे खुश रखे तो वीडियो में लाजमी शेयर करो। अगर तुम बोल नहीं सकते अगर तुम कुछ कह नहीं सकते अगर कोई पोस्ट नहीं ला सकते तो वीडियो में तुम लाजमी शेयर करो अपने हक वास्ते बोलो किसी तो कोई सहन ना कसो अपने हक वास्ते जिम्मेदार भाई जितने भी हैं अपने हक वास्ते बोलो असी साड़ी किसी नाल भी कोई नहीं अगर हुकूमत सानू अच्छे रेट से यूरिया DAP खादू टैक्स तो बगैर दें यूरिया के बराबर साढ़े को आके गंदम लै लवे अगर यूरिया 1000 रुपये कर दे तो 1000 रुपये ना साढ़े को गंदम लै लें सानू। ठीक है जिन्हें लोगों के रकबे नहीं हैं लेकिन उन्होंने सबसिडी दी जाए उन्होंने उस हिसाब में आटा दिता जाए लेकिन किसान हर चीज़ मांग ही दे कि गंदम किस तरह सस्ती खरीद सकते हो। अल्लाह हाफिज़।